Hello friend, in this video we are going to see UPSC CSAT 2023 set A question number 17th solution. Question says, for any choices of value of x, y and z, this 6 digit number of the form xyz is divisible by, means question mein ek 6 digit number xyz diya hai, is number mein xyz 3 digits repeat कर रहे हैं। इस नंबर में x, y and z की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ये x, y and z को 0 to 9 कोई भी डिजिट ले सकते हैं। जब ये 6 डिजिट के नंबर फॉर्म हो जाए, तब इन ऑप्शन में से ये नंबर क्या केवल 7 and 11 से डिवाइड होगा? B में कह रहा है क्या ये केवल 11 and 13 से डिवाइड होगा? C में क्या ये नंबर केवल 7 एंड 13 से डिवाइड होगा? डी में क्या ये 6 डिजिट का नंबर 7, 11 एंड 13 से डिवाइड होगा? इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम 0 टू 9 नंबर्स लिख लेते हैं। 0, 1, डिजिट x, y एंड z की वैल्यू इन्हीं 10 डिजिट्स में से होंगी। बट हमें ध्यान देना होगा कि ये 6 डिजिट का नंबर xyz, इसमें अगर x की वैल्यू 0 ले लेंगे तब ये 5 डिजिट का हो जाएगा। जैसे 0 हुआ, वाई की वैल्यू कोई ले लेते हैं, लेट 7 जेड 3 एक्स 0 वाई 7 एंड जेड 3, 0 7 3 0 7 3, 3 डिजिट्स रिपीट की हैं और ये नंबर 6 डिजिट का है। इसमें जब पहला डिजिट 0 ले लिया तब ये नंबर 5 डिजिट 7 3 0 7 3 0, ये नंबर केवल 5 डिजिट का रह गया। यहाँ x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं। अगर x की वैल्यू 0 ले लिया तब ये नंबर 5 डिजिट का 73,073 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक देख लेते हैं। जैसे कोई नंबर 4 डिजिट का लेते हैं जिसमें 2 डिजिट्स रिपीट कर रही हूँ, एक्स वाई एंड एक्स वाई, ये 4 डिजिट का नंबर है और इसमें 2 डिजिट्स रिपीट कर रही हैं, तब इस नंबर के फैक्टर्स 101 एंड ये नंबर जो रिपीट कर रहा था एक्स वाई, एक्स वाई हो जाएगा। इसके 2 फैक्टर्स 101 एंड एक्स वाई हो जाएगा। इसको आगे समझने के लिए देखते हैं। इस 4 डिजिट के नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, वाई यूनिट प्लेस पे है एंड एक्स टेंस प्लेस पे है, नेक्स्ट वाई 100 प्लेस पे है एंड ये फर्स्ट एक्स 1000 प्लेस पे है। अब x x को ऐड कर लेंगे, 1000 10x प्लस y को ऐड कर लेंगे, 101y, इसमें से 101 दोनों में कॉमन हो जाएगा, 101 एंड ब्रैकेट में 10x प्लस y हो जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस नंबर xy जो 4 डिजिट का नंबर है xy, इसके फैक्टर्स 101 एंड 10x प्लस y हो जाएगा। अब अगर नंबर 6 डिजिट का हो जिसमें 3 डिजिट रिपीट कर रही हूँ, जैसे xyz 6 डिजिट का नंबर है और इस नंबर में 3 डिजिट xyz रिपीट कर रही हैं, तब इस नंबर के फैक्टर्स क्या होंगे? जैसा कि हमने पिछले केस में देखा था जिसमें 2 डिजिट रिपीट कर रही थी और वो नंबर 4 डिजिट का था xy, इसमें फैक्टर 101 बन रहा था। ये हमने कैसे किया था? जो 2 डिजिट xy रिपीट कर रही हैं, यहाँ 2 डिजिट xy रिपीट कर रही हैं, तब नेक्स्ट जो फैक्टर बनेगा वो 3 डिजिट का होगा और उसमें एक पहली डिजिट 1 रख लेंगे, लास्ट डिजिट 1 रख लेंगे, उसके बीच में 0 फिल कर देंगे। सेम यही यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 डिजिट्स रिपीट कर रही हैं। अब इसका एक जो फैक्टर होगा वो 4 डिजिट का हो जाएगा। अगर यहाँ 2 डिजिट रिपीट करती तब एक फैक्टर 3 डिजिट का हो जाता, यहाँ पर 3 डिजिट्स रिपीट कर रही हैं इसलिए इसका एक फैक्टर 4 डिजिट का हो जाएगा। पहला डिजिट 1 लिखा और लास्ट 1 लिखा, इसके बीच में 0 0 फिल कर देंगे और जो नेक्स्ट फैक्टर होगा वो सेम xyz हो जाएगा।
यहाँ एक्स वाई था, यहाँ पर एक्स वाई जेड है, ये रिपीटिंग थे, यहाँ पर एक्स वाई जेड रिपीटिंग है। 1001 एक फैक्टर है इस नंबर एक्स वाई जेड का, ये फैक्टर है। अब नेक्स्ट देखते हैं 1001 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। 1001 इसको 7 से कट करेंगे, 1, 4 एंड 3, अब ये 11 से कट हो जाएगा, 11, 1 एंड 3, 13 मीन्स 1001 के फैक्टर 7, 11 एंड 13 हो जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं ये जो 6 डिजिट का नंबर था XYZ, इसके फैक्टर्स 7, 11, 13 एंड XYZ हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि एक 6 डिजिट का नंबर XYZ जिसमें 3-3 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, ये किन से डिवाइड हो जाएगा। 7, 11 एंड 13, इन चारों ऑप्शन में 7, 11 एंड 13 दिया है, इनमें क्या केवल 7, 11 से डिवाइड होगा, क्या केवल 11, 13 से डिवाइड होगा, या फिर केवल 7 एंड 13 से डिवाइड होगा, या फिर 7, 11, 13 से डिवाइड होगा। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है कि इस टाइप के जो भी नंबर्स आएँ जो 6 डिजिट का हो और उसमें 3-3 डिजिट्स रिपीट कर रहे हों, तब वो डेफिनेटली 1001 से डिवाइड हो जाएगा, या हम कह सकते हैं वो 7, 11 एंड 13 से डिवाइड हो जाएगा। नंबर सिस्टम में इस टाइप के बेसिक्स को हमें लर्न कर लेना होगा। जैसे कि अगर एग्जाम्स में इस टाइप के बेसिक्स पर क्वेश्चन आ रहे हैं तब उन्हें इजीली शॉर्ट टाइम में सॉल्व कर सकें। सो वी कैन से ऑप्शन डी 7, 11 एंड 13 विल बी आवर आंसर।